कहते हैं कि घमंड करने वालों को ठोकर खाने के बाद ही अकल आती है और शायद यही बीजेपी के नेता के साथ भी हुआ। हमें यह मालूम नहीं है कि उन्हें अकल आई या नहीं, परंतु जिस घमंड के सहारे वह नेतागिरी में उतरे थे वह चूर चूर हो गया। हम बात कर रहे हैं भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव की, जिन्हें लोग निरहुआ के नाम से जानते हैं। भोजपुरी फिल्मों में अपने गायकी और एक्टिंग के जरिए काफी नाम कमाया और अपने फैंस बनाए। जिस प्रकार निरहुआ पर्दे पर लोगों के बीच धमाल मचाते रहे, उसी तरह वह राजनीति में भी धमाल मचाने उतरे थे। राजनीति में निरहुआ आए जरूर, परंतु वह साथ में अपने घमंड को भी लेकर आए। भाजपा में शामिल होने के बाद निरहुआ ने कई ऐसे बयान दिए जिनसे वह सुर्खियों में बने रहे। आजमगढ़ में निरहुआ को अखिलेश यादव के खिलाफ उतारा गया था। निरहुआ चुनाव को लेकर इतने उत्साहित थे कि उन्होंने यह तक कह दिया था कि उन्हें हराने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। परंतु चुनाव के नतीजे के बाद आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिली करारी हार के बाद भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव की काफी किरकिरी हो रही है। लोग सोशल मीडिया पर उनको काफी ट्रोल कर रहे हैं। इस बीच उनकी हार को लेकर बना गाना भी सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रहा है। मजेदार बात तो यह है कि इस गाने को एक बच्चे ने गाया है। गाने में निरहुआ के घमंड चूर होने की बात कही गई है। चुनाव से पहले दिनेश लाल अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त थे। वह अखिलेश को आसानी से हरा देने की बात कहते थे। यही कारण है कि उनकी आलोचनाओं की झड़ी लग गई है। गाने में इस प्रकार के बोल दिए गए हैं, जनता के जनमत मंजूर हो गई, निरहुआ के घमंड देखा चूर हो गई, कैला मनोरंजन भरपूर हो गई, निरहुआ घमंड तोहार चूर हो गई, फर्जी चौकीदारी में हो गईला अंधा, उल्टा सीधा बोलत रहला हो गईला ठंडा, देश परदेश में इस शोर हो गई, जनता के जमानत मंजूर हो गई। इस वीडियो को अब तक 1,00,000 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। निरहुआ अपने जीत को लेकर कॉन्फिडेंट थे, इस बात को उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था। उन्होंने कहा था, मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ क्योंकि मैं स्वतंत्र आदमी हूँ, मेरी विचारधारा स्वतंत्र है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। मैं ईश्वर के लिखे हुए लेख को भी हटा और मिटा सकता हूँ। अगर मैं अपनी सोच रखता हूँ, विचार रखता हूँ, मैं किसी के पीछे घूमने वाला व्यक्ति नहीं। इसीलिए भूल जाइए कि मुझे कोई हरा सकता है, मैं धर्म और सच के साथ हूँ, तो इस देश को लूटने वाला मुझे हरा नहीं सकते। दूसरी ओर चुनाव में अखिलेश यादव ने निरहुआ को 2,00,000 से ज्यादा मतों के अंतर से हराया है। यह काफी बड़ी हार मानी जा सकती है, जिसकी उम्मीद उन्हें नहीं थी। निरहुआ का घमंड टूटा या नहीं, यह तो खुद निरहुआ ही जानते हैं, परंतु यह बात साफ है कि घमंड के कारण ही वो अपने चुनाव में हार गए। नए नए भाजपा में शामिल हुए निरहुआ ने आते ही काफी सुर्खियां बटोर ली थी, परंतु वह भूल गए कि अखिलेश को उनके ही गढ़ में हराना नामुमकिन है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।